वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है एक खबर निकल के आई है, परसों दी स्कूलों के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पद जो है वो कम किए जाएंगे। एक खबर आई है, तो खबर जो है वो है परसों दी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद हो जाएंगे कम। यानी कि परसों दी स्कूलों में कम छात्र संख्या वाले जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें प्रधानाध्यापक का पद नहीं होगा। लखनऊ, एक ही लखनऊ से खबर है, एक ही परिसर में संचालित बेसिक शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्मिलन के बाद परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के हजारों पद कम हो जाएंगे। शासन ने सम्मिलन के बाद प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक का पद देने के निर्देश दिए। शासन के निर्देश पर ही एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल का सम्मिलन किया गया है। हालांकि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सम्मिलन जिससे पदों के निर्धारण में गड़बड़ी हो रही है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश दिए हैं कि सम्मिलन ठीक ढंग से किया जाए और सम्मिलित विद्यालयों का यूडा स्कोर सही से अंकित किया जाए। उधर सम्मिलन के बाद बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त हो रहे हैं। परिषद के सचिव ने इसका भी आदेश जारी कर दिया है। बात करते हैं इसके विरोध की, तो शिक्षक संघ ने इस पर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा ने परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों में कमी पर आपत्ति की है। उन्होंने बताया कि सरकार 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूल और 150 से कम संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद नहीं दे रही है।